खबर मंदसौर से है, जहां उपचुनाव का दौर शुरू होते ही नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज यहां तो कल वहां हर विधानसभा का दौरा भी जारी है, तो वहीं उपचुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म नजर आता है। इसी कड़ी में सुवासरा विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार की चुनावी सभा को संबोधित भी किया है। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के श्यामगढ़ पर पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, काला पीपल कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार की चुनावी सभा को संबोधित किया है, जिसमें जीतू पटवारी ने हरदीप सिंह डंक पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को कर्ज माफी होने ही वाली थी, लेकिन हरदीप सिंह डंक ने दल बदल डाला और किसानों के वोट को बेच डाला। और साथ ही ये भी कहा कि हरदीप सिंह डंक कांग्रेस को अपनी माँ कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को ही बदल डाला। ये सभा शामगढ़ से शुरू हुई और कुरावन फिर सीतामऊ सहित तीन क्षेत्रों में सभा को संबोधित किया गया। 18 लाख किसानों का हमने बिजली का बिल हाफ किया, 10-8 तक का जो इस्तेमाल करते हैं, और 2.5 लाख हमारे किसान भाइयों का हमने जो टेम्पररी कनेक्शन लेते हैं उनका विद्युत सरचार्ज आधा करके उनका भी विद्युत कनेक्शन आधा किया। जो 7-8 का विद्युत कनेक्शन 14,000 रुपए में शिवराज सिंह जी के राज में मिलता था, वो कमलनाथ जी के राज में 7,500 में टेम्पररी का काम कर जाता। तो कमलनाथ जी ने कहा चलो चलो, माफिया ज्यादा है तुम्हें प्रिय है तो माफिया के पास चलो। अरे ये वो गद्दार है जिसने उसी माफिया के पैसे से मध्य प्रदेश की जनता के वोट को बेचने का काम किया, आपके मत को बेचने का काम किया, आपकी मेहनत को बेचने का काम किया, और बाद में आपको ललकारता है। अरे कांग्रेस के लोगों को ललकारता है तो सुन ले गद्दार, तेरे हमने बिगर पैसे के तुझे जिताया था, अब तेरे जितनी दम हो, जितनी ताकत हो, जितना पैसा माफिया से लिया हो उस पैसे को लगा के बता देना। उपचुनाव ऐसे तो तब होते हैं जब विधानसभा का कोई सदस्य या विधायक परमात्मा के धाम चला जाता है, पर ये उपचुनाव तो इसलिए हो रहे हैं कि सुवासरा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं का मान सम्मान और स्वाभिमान बेंगलोर की 5 सितारा होटल में जिस तरीके से नीलाम किया गया और उस नीलाम की बोली के फलस्वरूप ये उपचुनाव आज हमारे और आपके माथे पर मना गया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के जो पूर्व के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको इस क्षेत्र की जनता ने लाल प्यार से 2 बार विधानसभा का मौका दिया, पर उन्होंने इनकी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, खुद के लालच के लिए इस क्षेत्र के एक एक मतदाता की बोली बेंगलोर के 5 सितारा होटल में लगाई, और उसका परिणाम कि वो आज अपने बीच में यहाँ वो एक काउंट डाउन करती बत्ती लेके घूमता रहा। ये पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे शिवराज सिंह जी ने स्वीकार किया कि सरकार गिराने में मदद की, हमें आदेश की। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सिंह जी ने व्यापम में किया, शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की आप कलंकित किया लोकतंत्र की हत्या कर। मंगलवार के दिन 3 तारीख को जनता इसका बदला ले, आप क्या कर रहे हैं? कमलनाथ जी ने निर्णय लिया, जो योजना है किसानों के कर्ज माफी की थी, बिजली के बिल की थी, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली के बिल, पीले बिल की योजना थी, वो तमाम काम गौशालाओं का जो नवीनीकरण और गौशालाओं की गाय माता की सेवा की योजना थी, और युवाओं को रोजगार देने के लिए अलग अलग तरीके के और आयोजन और नियोजन की थी, वो सब योजनाएं चालू हो। साथ ही साथ सिर्फ किसान ही नहीं, वो व्यापारी, वो नया उद्योगपति जो 50,000 रुपए तक की सरकार की सहायता हम सबको परिवार के लोगों को करेंगे, वो किसी जात किसी धर्म का जो छोटा व्यापारी उसको भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो मदद करेगी। जहाँ तक सुवासरा का प्रश्न है, स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ बिकाऊ है और एक तरफ हमारा राकेश टिकाऊ है। जब बिकाऊ जैसे वापस नहीं होता है, ऐसे ही हरदीप सिंह डंग वापस विधायक नहीं होंगे,
ये स्वास्थ्य के जन जन से आवाज आ रही है। मैं मानता हूँ कमलनाथ जी ने पिछले साल बिना सर्वे से स्वास्थ्य और मंदसौर में मुआवजे का प्रोसीजर चालू करके किसानों के खातों में पैसे डलवाए थे। जो बचे हुए किसान थे उनकी खातों की किस्त आनी थी, तभी पीछे से सरकार गिरा दी। जो किसानों के मुआवजे के पैसे बच गए हैं, 100% राशि कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे फिर किसानों के खातों में आएगी। मैं सभी परिवार के साथियों से, खासकर लोकतंत्र के चौथे पहरी हमारे जर्नलिज्म के परिवार के साथियों से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भावों के हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ कि ये युद्ध सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, या हरदीप सिंह जंग को हम हरा दें ये हमारा लक्ष्य नहीं है, बीजेपी को भी हरा दें ये भी लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है लोकतंत्र बचे, इसमें आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। अगर 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 विधायक बिकने लगे तो फिर जनता का सरोकार किससे होगा, जवाबदेही किसकी होगी, फिर राजनीतिक दल सिर्फ विधायकों को खरीदेंगे, जनता के आयोजन नियोजन और विचारधारा पे विचार नहीं करेंगे। तो जितने जर्नलिज्म के हमारे साथी हैं वो भी इस बात को महसूस करते हुए इस अभियान में हमारा साथ। यहाँ पर यू